नमस्कार, रागगिरी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ऐसी कलाकार से जिन्होंने संगीत की विधिवत तालीम ली है, लेकिन है वो किसी और प्रोफेशन में। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं कि उनकी सुरों की पकड़ कमजोर हुई है या उनका रियाज कम हुआ है। वो अब भी रियाज करती हैं और अब भी उनकी सुरों की पकड़ वैसी ही है, वो उतनी ही सुरीली थी जितनी वो पहले थी। तो ऐसे एक बेहद खास, बेहद सुरीली गायिका लावण्या से आपको मिलाते हैं। और ये इंटरनेट का चमत्कार भी देखिए कि सात समंदर पार यानी अमेरिका से लावण्या हमारे साथ जुड़ रही हैं और अब हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, उनसे गाने सुनेंगे, उनकी संगीत साधना के बारे में समझेंगे और पढ़ाई लिखाई के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है लावण्या, बहुत बहुत रागगिरी के यूट्यूब चैनल पर। शिवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। एंड ये वाकई इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का चमत्कार ही है कि हम इस तरह बात कर पा रहे हैं। रागगिरी के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो लावण्या, जितना मैंने आपका परिचय दिया, मैंने आपकी पढ़ाई की तरफ इशारा किया, आपकी संगीत साधना की तरफ इशारा किया, लेकिन उस गाने की तरफ इशारा नहीं किया जिसके जरिए हमारी आपकी पहचान हुई, और वो एक ऐसी गजल जिसको शायद पिछले 50-60 सालों में मैं कहता हूं कि वो शायद ही कोई ऐसा कलाकार हो जिसने उस गजल को ना गुनगुनाया हो। तो बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन पहले उसी गजल से शुरू करते हैं, आज जाने की जिद ना करो। जी जरूर, ये एक्चुअली मेरे और मेरे हस्बैंड का सबसे फेवरेट गजल है। आई एम हैप्पी टू प्रेजेंट दैट। हाय, मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत खूब। अच्छा लावण्या, अब हम आते हैं आपके सिलसिलेवार बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। आपने संगीत की तालीम देखा जाए तो अपने घर पर ही सीखना शुरू किया। आप हैदराबाद से आती हैं, आपकी माँ जानी मानी दक्षिण भारतीय है, जो कर्नाटक संगीत की जो परंपरा है उससे जुड़ी रहीं, कलाकार रहीं, तो आपको गुरु घर में ही मिली। अब क्या कुछ याद आता है, कैसे शुरू हुआ था वो बचपन में संगीत सीखने का सिलसिला? जैसे कि आपने कहा, मेरी मम्मी बहुत अच्छी कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिशियन है, वो गाती हैं, वीणा बजाती हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छी गुरु भी हैं। सो बचपन से लेके आज तक हमारे घर स्टूडेंट्स का आना जाना होता था। उनके साथ साथ मैं भी उनके पीछे पीछे गाती थी। तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि मैं 2 साल की उम्र से गुनगुनाने लगी थी। उन्होंने रेकग्नाइज़ किया कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है म्यूज़िक से। सो मम्मी छोटे छोटे गाने सिखाती थी और मैं गा लेती थी, लेकिन फॉर्मली ट्रेनिंग आई थिंक 5 ईयर्स ऑफ एज से शुरू किया था। मम्मी पापा बोलते हैं कि मेरा सबसे पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था चेन्नई के दूरदर्शन चैनल पर। मैंने एक डिवोशनल गाना गाया था जी, और फिर जितना मैं पढ़ पाया आपके बारे में, मैंने पता किया तो मुझे ये जानकारी मिली कि फिर 9वीं क्लास के आसपास आकर आपने अपनी पढ़ाइयों पर ज़्यादा फोकस करने के लिए, स्टडीज पर ज़्यादा फोकस करने के लिए आपने म्यूज़िक से ब्रेक लिया। तो क्या उस ब्रेक का वाकई कोई फ़ायदा हुआ, और आज जब आप बहुत मेच्योर हो चुकी हैं, आप बड़ी हो चुकी हैं, तो आपको लगता है कि अगर म्यूज़िक उस वक्त कंटिन्यू रहता तो क्या नंबर कम आते, या क्या होता, क्या हो जाता, क्या अलग होता लावण्या की जिंदगी में अगर म्यूजिक उस वक्त नहीं रुका हुआ होता तो? देखिए, म्यूजिक तो हमेशा से ही पैशन रहा है, बट क्या हुआ कि 9th स्टैंडर्ड में बहुत मुश्किल हो रहा था सबको बैलेंस करना, म्यूजिक एंड रियाज एंड स्टडीज, और मम्मी पापा ने तो बहुत स्ट्रांगली बोल दिया था कि बेटा नंबर तो अच्छे आने चाहिए। आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट उनको पता था कि मैं कभी भी म्यूज़िक छोड़ने वाली नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला कि प्रायोरिटाइज स्टडीज फर्स्ट। तो मैंने छोड़ दिया था थोड़े साल के लिए, बट आई फील लाइक उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरा करियर सेट हो गया। मैं इसी सवाल पर आने वाला था कि क्या कभी कोई रिग्रेट रहा, कभी आपको पछतावा हुआ इस बात का कि उस वक्त जो आपने सीखना छोड़ा वो दरअसल सीखना
नहीं छोड़ना चाहिए था? देखिए, ऐसा नहीं था कि मैंने म्यूजिक को कम्प्लीटली छोड़ दिया था. बस मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग का से ब्रेक लिया. बस इट वॉज जस्ट अ ब्रेक फ्रॉम फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग में बहुत सारे रियाज के एक्सपेक्टेशंस होते थे कि यू नो इतने सारे घंटे प्रैक्टिस करना होता है, और दैट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी. बट मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं फुल टाइम म्यूजिशियन बनूँ, मुझे करियर बनाना था साथ में, तो मैंने इसलिए फॉर्मल ट्रेनिंग से ब्रेक लिया था. बट ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने कभी म्यूज़िक को नहीं छोड़ा. मैं गाती थी, सुन के सीखती थी, मम्मी से सीखती थी, यू नो ऐसे इनफॉर्मली चलता रहा. सो नो रिग्रेट्स एट ऑल. लावण्या, आप बस फरमाइश करते हैं आपसे, कोई एक ऐसा नगमा, कोई एक ऐसा गीत, कोई एक ऐसा ऐसी गज़ल जो आपके दिल के बेहद करीब हो और आप हमारे जो रागगिरी के YouTube पर जो लोग जुड़ते हैं हमसे, उनके लिए सुनाना चाहें. मैं दिल धड़कने का सबब ये गज़ल सुनाना चाहूँगी. इसको गुलाम अली जी ने गाया है और आशा जी ने भी गाया है. सबसे वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेरे बहुत सारे फेवरेट्स हैं, ये वन ऑफ माई फेवरेट्स हैं. दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, वो तेरी याद थी, अब याद आया. दिल धड़कने का सबब याद आया. पुराने दौर में चलते हैं लावण्या, और संभवतः ये वो दौर रहा होगा जब जिनके गाने सुन के आप बड़ी हुई होंगी, मतलब मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, लता जी हो गई, आशा जी हो गई, इस तरह के जो गायकों का एक एक के संस्कार जो पढ़ते हैं हमारे यहाँ हमारे बचपन में, उनमें से कुछ गाने जो आपको याद आते हो लता जी के या आशा जी के? जरूर, मैं लता जी का एक बहुत ही प्यारा गाना पेश करना चाहूंगी. ओ सजना बरखा बहार आई, रस की पुहार लाई, अखियों में प्यार लाई. ओ सजना तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, तुमको पुकारे मेरे मन का पपीहरा, मीठी मीठी अग्नि में जले मोरा जियरा. ओ सजना. अच्छा लावण्या, आप जो मैं लगातार बार बार इस बात का जिक्र भी कर रहा हूँ कि आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं खुद अपनी खेल का, चूंकि पत्रकार रहा तो खेल की यात्राओं के कवरेज की यात्राओं के सिलसिले में कई देशों में गया, और बहुत एक क्यूरियोसिटी होती है कि जो हमारा देश है उसकी छवि कैसी है और देशों में, खासतौर पर हमारे संगीत की, हमारे साहित्य की. तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो सोसाइटी है जहां पर आप रहते हैं, आपका जो एटमोसफियर है, समुदाय है, लोग हैं, वो आपके म्यूजिक को कितना अप्रिशिएट करते हैं, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक को टोटलिटी में कितना अप्रिशिएट करते हैं? हम कनेटिकट में रहते हैं, तो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट, बट इट्स अ मॉडरेटली एक्टिव म्यूजिक सीन कह सकते हैं. यहाँ पे एक म्यूजिकल यूनिवर्सिटी भी है जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता भी है, कोर्स वर्क में है, तो काफ़ी एक्टिव है द म्यूजिक सीन. काफ़ी जाने माने कलाकार आते हैं इंडिया से और यहाँ पे कॉन्सर्ट्स देते हैं और वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस लोकली. अच्छा लावण्या, कोई भी कलाकार जो गज़ल गाता हो उससे अगर आप मेहदी हसन ना सुने, गुलाम अली ना सुने या जगजीत सिंह साहब को ना सुने तो फिर बातचीत जो है वो अधूरी है. तो इस सवाल को पूछने का मकसद यही है कि इन तीनों कलाकारों की वो गज़लें जो आपके दिल के बेहद करीब हों हमें ज़रूर सुनाएं प्लीज़. ज़रूर, मैं पहले मेहदी हसन जी का एक गज़ल पेश करूँगी.
रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आए, रंजिश ही सही। अभी मैं जगजीत सिंह जी का एक गजल पेश करना चाहूंगी। जाग के काटी सारी रैना, जाग के काटी सारी रैना, नैनों में कल ओस गिरी थी, नैनों में कल ओस गिरी थी, जाग के काटी सारी रैना, जाग के काटी सारी रैना। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और है, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और गानों की फरमाइश करूं, ये जो अक्सर मैं ये सवाल पूछता भी हूँ आपके जैसे जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके, कि ये जो पढ़ाई और संगीत के बीच या किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट को सीखने के बीच का जो एक पुल है, जो ब्रिज है, कैसे संतुलन बनाया जाना चाहिए उसमें? क्योंकि मैंने पढ़ा है आपके बारे में और मैंने आपसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट के वक्त ये कहा भी था कि आपने तो अपनी तमाम कठिन कठिन परीक्षाएं जो होती हैं, चाहे वो CA की हो, और उसके बाद भी आपने कई ऐसी परीक्षाएं दी हैं जो बहुत कठिन मानी जाती हैं, लेकिन आप उसको पहले अटेम्प्ट में ही पास कर लेती हैं, तो ये इसका राज क्या है? क्या कहीं इसमें भी संगीत है? कोई राज नहीं है। इफ यू इंसिस्ट, वो राज है फोकस एंड हार्ड वर्क एंड ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर वाले की कृपा। दैट्स इट। मैं ये भी जानना चाहूंगा लावण्या कि जो क्लासिकल म्यूजिक है हिंदुस्तान का, उसमें कितनी संजीदगी से आप जुड़ी रहीं, कितनी सीरियसनेस के साथ जुड़ी रहीं, और कुछ वो कलाकार जिनकी गायकी आपको पसंद रही हो, या अगर आप कोई हमें शास्त्रीय राग सुनाना चाहें तो स्टेज आपके लिए है। आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे इन टच विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पे, तो लोकल इंडियन एसोसिएशंस को सपोर्ट करती हूँ। जब भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ अटेंड करने। आई कैन नॉट अटेंड एवरी सिंगल वन, बट बहुत ट्राई तो करती हूँ। यू नो, जाने माने कलाकार जब आते हैं न्यूयॉर्क या बॉस्टन, वहाँ भी जाके कॉन्सर्ट्स अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, और लोकल टैलेंट को भी बहुत सपोर्ट करने की ट्राई करती हूँ। तो यू नो, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे इन टच एंड सपोर्ट लोकल एक्टिविटीज़ एंड लोकल टैलेंट। मैं राग बागेश्री ट्राई करूँगी कर्नाटिक एंड हिंदुस्तानी स्टाइल्स में प्रेजेंट करने के। राधिका कृष्णा राधिका, राधिका कृष्णा राधिका, तव विरहे केशवा, राधिका कृष्णा राधिका। ये था कर्नाटिक, अभी हिंदुस्तानी कोशिश करूंगी। कोशिश याद करूं, ध्यान धरूं माता सरस्वती, याद करूं, ध्यान धरूं माता सरस्वती, तू ही हमारी गति, तू ही माता, तू ही हमारी गति, माता सरस्वती। याद करूं, ध्यान धरूं माता।
और बेगम अख्तर का नाम मैंने अलग से इसीलिए लिया ताकि मुझे कुछ और सुनने को मिल जाए, हमारे श्रोताओं को कुछ और सुनने को मिल जाए, क्योंकि जब ऐसे सुरीले कलाकार हमारे साथ जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक लालच भी होता है कि ये जो बातचीत का सिलसिला है, ये जो संगीत को सुनने का सिलसिला है, ये थोड़ा और चले, थोड़ा और लंबा चले। तो अपने गले को थोड़ा और गर्म करिए और कुछ बेगम अख्तर का सुनाइए। बेगम अख्तर जी का एक बंगाली गाना प्रेजेंट करूंगी, कोशिश करूंगी खुद से। पिया बोलो अभिमान, पिया बोलो अभिमान, मधुरा और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल भी है, मकसद लावण्या समझिए, मकसद यह है कि आपकी गायकी खूब सारी सुन ली जाए ताकि मतलब जो ये इंटरव्यू लोग देख रहे हैं वो समझ सकें कि किस तरीके से आप सात समंदर पार अमेरिका में भी रहते हुए हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत कह लें या हिंदुस्तानी संगीत कह लें, उसकी जड़ों को किस तरह से आपने मजबूत रखा है, किस तरह से उसकी खुशबू से आपने लोगों को परिचित करा रखा है, उसमें सराबोर कर रखा है। तो कुछ और नगमे आजकल के गायकों के जो लेटेस्ट गायक हैं। लेटेस्ट सिंगर्स में मुझे श्रेया घोषाल बहुत अच्छी लगती हैं। आई लाइक अरिजीत सिंह टू अ लॉट। या लेट मी सिंग दिस सॉन्ग फ्रॉम बर्फी। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास नाया रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह अच्छा लावण्य, मतलब ये सवाल अगर मुझे नहीं पता आप कितना कितना सहज होंगी इस सवाल का जवाब देने में, लेकिन ये सवाल मैं पूछूंगा जरूर आपसे कि खुशी किस दिन ज्यादा होती है, जब ऑफिस में कोई आपका सीनियर आके, कोई बॉस आकर कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, या तुमने जो ये तुम्हारा जो डिसीजन था वो बहुत अच्छा था, या उस दिन ज्यादा होती है जब कोई संगीत का पारखी आकर कहता है कि तुम्हारी फलां गजल में या तुम्हारे फलां गाने में वो जो पर्टिकुलर सुर लगा था, जो स लगा था या जो ग लगा था, वो बहुत बेहतरीन लगा था, किसमें खुशी ज्यादा होती है? कितना प्यारा सवाल पूछा आपने। इट्स सो डिफिकल्ट टू पिक दिस वन। यू नो, खुशी उस दिन होती है, सबसे ज्यादा होती है जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्स एक ही दिन मिलते हैं, राइट? I would love that. अच्छा लावण्या, ये एक सवाल अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या कभी सोते जागते कभी ये अफसोस हुआ कि मुझे मैं आ तो गई किसी प्रोफेशन में जो बहुत जिसके लिए मैं क्वालिफाइड थी या जिसके लिए मैंने एग्जाम पास किया था, लेकिन क्या कभी लगा कि दिल के करीब वाकई में संगीत ही था और संगीत को मिस किया कभी, मतलब इस तरीके से कि जब लगा हो कि नहीं मुझे तो संगीत में ही जाना चाहिए था, ये फैसला मेरे जीवन का गलत हो गया, क्या कभी ऐसा हुआ? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भविष्य में आपकी ऐसी कोई योजना है कि आप फुल टाइम सिंगिंग पर ही कॉन्सेंट्रेट करें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, काफी मुश्किल भी है। देखिए, मेरा मानना है कि सबका अपना अपना अलग जर्नी होता है, बिकॉज सबके अपने प्रायोरिटीज होते हैं। मेरे लिए हैविंग अ सक्सेसफुल करियर वॉज उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि म्यूज़िक। तो मेरा जर्नी आई थिंक
बाकी लोगों से काफी अलग हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद लावण्या, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपने अपना भी यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो जो लोग रागिरी पर इस चैनल को, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो लावण्या के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पर भी आपको बहुत सारे खूबसूरत नगमे उनकी आवाज में आपको सुनने को मिलेंगे। उन नगमों को सुने और उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दें, क्योंकि जैसा मैंने बीच में कहा भी था कि वो भारत से कई सौ किलोमीटर दूर एक ऐसे देश में जहां पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है, चलन है, वहां पर हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी फिल्मी संगीत के प्रचार प्रसार कह लें या कह लें कि उसकी खुशबू को बिखेरने का काम करती हैं। तो लावण्या, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपका ये जो संगीत सफर है, आपकी जो ये संगीत साधना है, आपके प्रोफेशनल जीवन के साथ, प्रोफेशनल करियर के साथ वो चलती रहे।